एवरीवन, मैं गीता वर्मा गीता किनु लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं फिर से एक बार फेशियल का वीडियो लेकर आई हूं। मुझे पता है आप लोगों को मेरे फेशियल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। काफी टाइम हो गया था मैंने कोई फेशियल नहीं डाला था, और होली के बाद जब इतना रंगों से हम लोग खेले तो उसके बाद जो स्किन की है वो बैंड बच जाती है। तो मेरी भी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो रही थी, मुझे भी फेशियल करना था ताकि मेरी जो स्किन है वो फिर से ठीक हो जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरा होली व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इतनी मस्ती करते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी इतनी मस्ती नहीं करता होगा क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है तो सब लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं धूम धमाके से। तो वो कुछ अलग ही हमारा जो व्लॉग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे नहीं लगता इस तरह से कोई भी मस्ती करता होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, होली व्लॉग जरूर देखिएगा मेरा। और अब आ जाते हैं फेशियल पे। तो आज जो फेशियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अब से जितने भी फेशियल मेरे होंगे वो सारे गर्मियों के लिए होंगे क्योंकि गर्मियां शुरू हो रही हैं। और जितने भी अभी तक मैंने फेशियल डाले थे मोस्टली मैंने विंटर्स के हिसाब से डाले थे, अब मैं समर फेशियल लेकर आई हूँ। जो मेरा फर्स्ट फेशियल है समर का वो है पपाया फेशियल। पपाया क्यों? क्योंकि पपाया में इतने सारे गुण होते हैं, ये दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन व्हाइटनिंग में काम करता है। अगर आपके सन टैन हो गया गर्मी की वजह से वो सारा सन टैन ये निकाल देगा, ग्लोइंग बना देता है स्किन को और बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है। तो मुझे ये फेशियल पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगा मैं अपना फेशियल कर रही हूं तो आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो देख लेते हैं ये फेशियल कैसे बनाना है, इसे कैसे करना है, उसका रिजल्ट कैसे आता है, अपने ऊपर यूज करके दिखाने वाली हूं। तो चलते हैं वीडियो में, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये पपीता ले लिया है क्योंकि पपीते का फेशियल है। यहाँ पे मुझे पूरा पपीता नहीं चाहिए, सिर्फ इसका एक टुकड़ा चाहिए। तो और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था, इस तरह से एक पीस निकाल लीजिए बड़ा सा। अब इसका जो ये वाइट वाला ऊपर का हिस्सा है ये मैं निकाल दूंगी और नीचे से इसका छिलका भी निकाल देंगे हम। तो इस तरह से मोटा छिलका हम निकाल देंगे और इस पपीते के हम टुकड़े कर लेंगे और जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना आप इस तरह से निकाल के काट लीजिए। अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी और अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पपीते को अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ओट्स, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ओट्स बिना फ्लेवर वाले लेने हैं आपको और इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसका मोटा सा दरदरा आटा तैयार कर लिया है, ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर तैयार नहीं करना है। अगर आपके पास ओट्स ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लींजिंग। तो यहाँ पे हम क्लींजर तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे गुलाब जल। आप इसकी जगह कच्चा दूध भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2-3 बूंदे टी ट्री ऑयल की, और ये उन लोगों के लिए है जिनके पिंपल्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स वालों को ये डालना है। अगर आपके पिंपल्स नहीं हैं तो डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ज़्यादा बूंदें नहीं डालनी है, 1-2 बूंदें ही आपको डालनी हैं। अब इससे मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी ताकि अगर मेरे फेस पर कुछ पिंपल्स वगैरह हल्के दाने वाने भी हो रहे हों तो इसकी वजह से वो ठीक हो जाएंगे। तो अच्छे से मैंने कॉटन को इसमें डिप करके निचोड़ लिया है और इसे मैं इस तरह से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। मैंने फेस को फेस वॉश से धो लिया था, उसके बाद मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, तो वो होता है स्क्रबिंग। यहाँ पे हम स्क्रब तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने ये पपीते का पल्प ले लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ओट्स का जो पाउडर हमने तैयार किया था, ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और वो भी ना हो तो आप इसमें बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रब तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं इस स्क्रब को लगाऊंगी। इससे आपको 5 मिनट तक स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, जितने भी डेड सेल होंगे वो सारे निकल जाएंगे, आपकी जो ऊपर की स्किन जो ख़राब हो चुकी है वो धीरे धीरे साफ होती जाएगी। स्क्रब करके जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें निकाला जाता है ताकि नई स्किन आए और वो फिर
फिर क्लीन और क्लियर हो। तो इस तरह से 5 मिनट तक हम स्क्रब करेंगे नाक पे और अपने चिन एरिया पे आपको ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्क्रब करने से आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाएंगे। अब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 स्टेप किए हैं और आप काफ़ी फ़र्क देख पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा होता है फेस क्रीम या फिर फेस जेल। इसके लिए मैं फिर से ये पपीते का पल्प ले रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच शहद, 1 विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, अंदर से दाग धब्बे साफ़ करेगा, और जो शहद होता है वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन की जितनी भी ड्राइनेस होगी वो सारी निकाल देगा, आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से बाहर का भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप 2-3 बूंदें बादाम के तेल की डाल सकते हैं। बादाम का तेल ना हो तो हल्का सा नारियल का तेल डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारी फेस क्रीम तैयार हो गई। अब इस फेस क्रीम से कम 5-6 मिनट मसाज करनी है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो 10 मिनट भी कर सकते हैं। ये जो क्रीम है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, जितनी भी ड्राइनेस होगी वो निकाल देगी और आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा सा ग्लो लेकर आती है। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, जैसे छोटे बच्चों की होती है। इस तरह से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, दाग धब्बे धीरे धीरे चले जाएंगे, रिंकल्स चले जाएंगे, फाइन लाइन्स आपकी कम हो जाएंगी, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। तो इस तरह से इसे मसाज करिए। अगर 10 मिनट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट करके फेस वॉश कर लिया है और आप धीरे धीरे रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे मेरे फेस पे। अब यहाँ पे 4th आ जाता है फेस पैक। मैं यहाँ पे 4 स्टेप करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पपीते का पल्प। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चंदन पाउडर, जो कि हमारी स्किन वाइटनिंग में ब्राइटनिंग में काम करता है। आपके दाग धब्बे हैं अगर चेहरे पे वो भी साफ़ हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मुल्तानी मिट्टी जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है हमारी स्किन का वो उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और काफ़ी अच्छा काम करता है स्किन ग्लोइंग में। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगे ये ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर सकते हैं और इस तरह से इसका एक पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया घर का बना हुआ फेस पैक तैयार हो गया। अब इसे मैं अप्लाई करूँगी, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इस तरह से ये देखिए फेस पैक हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ इस तरह से करते हुए लगाऊँगी अपने फेस पे और नेक पे। नेक को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ फेस पे लगा लेते हैं और नेक को छोड़ देते हैं, तो नेक आपको स्किप नहीं करनी है, साथ में नेक पे भी लगाना है। तो इस तरह से मैं पूरे फेस पे ये लगा लूँगी फेस पैक और इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ 10-15 मिनट लगा सकते हैं, नहीं तो टाइम है तो इसे पूरा सूखने दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे 10 मिनट लगा के फेस को वॉश कर लूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है और आप फर्क देख पा रहे होंगे। मैं अभी इसे पोंछने जा रही हूँ। मैं अभी वॉश करके आई हूँ अपने फेस को और आप ग्लो देख पा रहे होंगे पहले से कितना फर्क आ गया। तो कैसा लगा आज का ये फेशियल, था ना बढ़िया? तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर और भी इस तरह के फेशियल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हफ्ते में एक दिन मैं फेशियल वीडियो लेकर आऊंगी और बिल्कुल नए नए तरीके के फेशियल अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, तो अभी फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे ऊपर वाला ऑल का ऑप्शन आपको दबाना है, तभी मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो मैं डालूं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो आप मिस कर दें, तो बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल का ऑप्शन आपको दबा देना है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने में मज़ा आता है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।